हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। माय डीमन वेब के एपिसोड नंबर 153 के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एक डीमन जियांग से कहता है, कमांडर इन चीफ, हमारे सभी हमले उनके द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। जियांग कहता है, ऐसा करो, सभी मिसाइलों को एक साथ लॉन्च करो और एम्पायर गेट को उड़ा दो, अब आगे। और इसी के साथ ही वो डीमन बहुत सारी मिसाइलों को एम्पायर गेट पर लॉन्च कर देता है। पीस कहता है, माय लॉर्ड, मैजिक की दीवार विफल हो गई है। तभी रीजेंट अपना हाथ आगे करते हुए एक मिरेकल एरिया एक्टिवेट कर देता है और कहता है, ग्रिफॉन के नाइटों को बाहर भेजो। यालू कहता है, ठीक है अभी भेजता हूँ। टीचर, हमने जो उन पर तीर चलाए हैं वो उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। तब तो मुझे उनकी प्रोटेक्टिव दीवार को तोड़ने दो। अब आपको इसे अच्छी तरह से देखना होगा, यह हुलगम कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तीर है। इस तीर की पावर पर्याप्त और सुपीरियर 100 सुपर हाई मैजिक दुश्मनों को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एनर्जी को कलेक्ट करने में बहुत समय लग जाता है, नहीं तो इसे प्रिंस और प्रिंसिपल भी नहीं उठा पाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट तीर, फिर वो और उसके बाकी स्टूडेंट्स भी तीर छोड़ देते हैं। जल्दी टीचर के एरो को फॉलो करें, वो एक आंख वाला डीमन कहता है। अरे नहीं, दुश्मन हम पर फिर से हमला कर रहे हैं। उस स्ट्रॉन्गेस्ट एरो से डिफेंसिंग सील ब्रेक हो जाती है और एक बहुत तेज रोशनी का प्रकाश आता है जिससे किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। जियांग कहता है, आखिर यह अटैक किसने किया, वास्तव में इसने पूरे स्काई किले को हिला डाला। तभी जियांग के पास ही में बैठा एक डीमन कहता है, कमांडर, डिफेंसिंग वॉल टूट गई है। जियांग हैरान होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो डिफेंसिंग वॉल को न्यूक्लियर वॉर्म के लेवल तक सुरक्षित बनाया था, क्या यह अटैक करने का टाइम है। जियांग कहता है, सभी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी एक बार फिर से दुश्मन के तीरों की बारिश होने लगती है। वो डीमंस कहने लगते हैं, सभी लोग रास्ते से हट जाओ। अरे नहीं, स्काई किले पर भी हमला हो रहा है। जियांग कहता है, चलो सब लड़ते हैं, लेकिन मिसाइलों को मत रोकना, उन पर बमबारी करते रहो। जियांग हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, इजाबेला चलो भी बाहर चलते हैं। इजाबेला कहती है, ठीक है चलो चलें। और फिर हम देखते हैं, लगातार बमबारी की वजह से एम्पायर की वॉल के बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर एम्पायर के अंदर गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, आ बचाओ हमें। एक आदमी कहता है ध्यान से, अचानक से एक बड़े पत्थर के नीचे कुछ लोग आने वाले होते हैं कि तभी बहुत सारी पेड़ों की जड़ें उस पत्थर को हवा में ही रोक लेती हैं और वो लोग खुश होते हुए कहते हैं, अरे वाह हम बच गए। हम देखते हैं एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स उस रॉक के ऊपर बैठे होते हैं। वो कहते हैं, युद्ध शुरू हो गया है और हर कोई अपने जीवन के लिए भागता है। वहीं पर कुछ सोल्जर उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर कहता है, भागो मत, जो भी भागेगा उसके साथ देशद्रोह माना जाएगा। वो सोल्जर उस टीचर से कहता है, कहां से आई मरी हुई बुढ़िया, लोगों के दिलों में खलबली मचाने की हिम्मत, नीचे उतरो और मरो। वो टीचर कहती है, ऐसा लगता है कि एम्पायर में मेरे रेड लोटस का वास्तव में कोई डिफरेंट इफेक्ट नहीं है। उसका स्टूडेंट कहता है, अरे टीचर जी मुझे उन्हें सबक सिखाने दो। फिर वो तीनों जंगली पेड़ क्रिएट करते हुए उन सभी सोल्जर को पकड़ लेते हैं और उनके स्टूडेंट्स कहते हैं, हाँ हाँ बस अपनी जान बचाकर भागो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम एस को देखते हैं जो कि एम्पायर जेल की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं। एम्पायर जेल के सुरक्षा सैनिक कहते हैं, तुम लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते, यह एम्पायर की जेल है जो वर्जित क्षेत्र से संबंधित है, तुम लोग हमें रोकोगे, चलो उन्हें मजा चकाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 153 यहीं पे एंड होता है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।